हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखा था। तो हम लोगों ने देखा था कि दो वे होता है मैग्नेटिक फील्ड करंट के द्वारा कैलकुलेट करने के लिए। पहला जो वे था हमने देखा था बायोट-सावर्ट लॉ, उसको यूज करके हमने डिफरेंट केसेस देखे थे और डिफरेंट टाइप के करंट डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने देखा था एम्पियर्स लॉ कि एम्पियर्स लॉ को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एम्पियर्स लॉ का एक ड्रॉबैक ये होता है कि हाईली सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही एम्पियर्स लॉ को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ यूज करके सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर के द्वारा डिफरेंट केसेस में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं देखा था। बाद में मैंने सोलेनोइड बताया था और सोलेनोइड में ये बताया था कि एम्पियर्स लॉ यूज करके भी यदि आइडियल सोलेनोइड हो और टोरॉइड हो उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि इवन एनसीईआरटी का भी बुक देखेंगे तो उसमें भी सोलेनोइड और टोरॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी दिया हुआ है। तो आप एक बार बोर्ड में भी ये पूछा जाता है तो आप एक बार उसको खुद से रीड करें और फिर उसको खुद से नोटबुक में लिखें। कोई दो दो स्टेप का प्रूफ है इसलिए मैंने नहीं बताया। आज हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, आइदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है होगा, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उस केस में करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है उसके बारे में देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर फोर्स। क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर फोर्स बोलते हैं। जैसे कि देखो क्या है, फ्री स्पेस है या कोई भी मीडियम है, उसमें एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट डीसी करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई डीसी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसको कहां रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इसके करंट एलिमेंट आईडीएल जो है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जनरल केस कंसीडर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स हम लिखते कैसे हैं, उसके बाद हम डिफरेंट केसेस देखेंगे उसमें, ठीक है। तो हमने माना कि करंट एलिमेंट आइडियल, करंट एलिमेंट वेक्टर माना। करंट एलिमेंट वेक्टर क्या होता है, हम करंट एलिमेंट पढ़ चुके हैं पहले ही बायोट-सावर्ट लॉ कि आइडियल जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई इंटू डीएल होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होता है। उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आईडीएल, करंट एलिमेंट आईडीएल जो है वो क्या है, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, बी वेक्टर। तो इस डिफरेंशियल करंट एलिमेंट वेक्टर पे जो फोर्स लगता है उसको हम क्या से डिनोट करते हैं, डी एफ एफ, वेयर एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फोर्स। तो इस आईडीएल करंट एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो क्या होता है, आईडीएल क्रॉस क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, आईडीएल क्रॉस बी, क्या होता है, आईडीएल क्रॉस बी। अब अगेन क्या होगा आपको ही मालूम है। अब हमने क्या किया, इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स लिखा। अब टोटल वायर पे यदि मैग्नेटिक फोर्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, ओवर द लेंथ क्या करें, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, आसानी से अपने को क्या होगा, मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां क्या लिखा कि आई एफ एम जो होगा क्या होगा, आई एम सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्या होगा, करंट कैरिंग वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फोर्स है ना, नेट मैग्नेटिक फोर्स, और क्या होगा, एम्पियर फोर्स भी बोलते हैं इसको, एम्पियर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कितना होगा, इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ, आईडीएल क्रॉस क्या होगा, बी होगा। अब आप इसमें केसेस क्या हो सकते हैं यार, बी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, और क्या हो सकता है, आई क्या है, करंट इन द वायर, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या है, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल लेंथ ऑफ द क्या है, वायर है। तो हम यहां इसको भी लिख सकते हैं, यहां हमने लिखा भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन
डीएल क्रॉस क्या होगा बी, तो राइट हैंड थंब रूल आप यूज करोगे तो देखो डीएल का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो डीएल क्रॉस बी, यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, यहाँ क्या होगा ये क्या होगा डी एफ एम का क्या होगा डायरेक्शन होगा। और फ्लेमिंग रूल यूज करते हैं तो उसको आप एक बार देख लेना कि फ्लेम, लेकिन हम क्या हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज करके ही क्या करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कर। अब हम क्या मानते हैं कि देखो यहाँ क्या हो सकता है बी, अब एक चीज ध्यान देना है कि डीएल क्रॉस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो यहाँ केसेस कई होंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा विल बी मैक्सिमम व्हेन, क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन आई और डीएल क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ दो तीन केसेस नोट में हम लिख लेते हैं दो तीन पॉइंट, ठीक है कि क्या होगा इफ आई डीएल क्या होगा, यहां लिखते हैं कि इफ क्या होगा आई डी एल आई मीन डीएल सिंपल लिखते हैं डीएल वेक्टर इज पैरेलल टू बी, और क्या होगा डीएल वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा बी वेक्टर, देन क्या होगा देन एफ एम मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है ये ध्यान देना है, अभी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आप लिख सकते हो कि इफ क्या होगा इफ डी एल वेक्टर इज क्या होगा परपेंडिकुलर टू द क्या होगा बी वेक्टर, है ना, तो यहां लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन क्या होगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा एफ एम आई मीन एफ एम जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा कितना होगा आई इंटीग्रेशन डी एल क्या हो जाएगा डी एल, ठीक है क्या हो जाएगा डी एल ओवर द लेंथ, ठीक है। उसके बाद बाद में हम देखेंगे अलग अलग केसेस में, थर्ड में क्या देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा डायरेक्शन ऑफ, यहां आपसे कोई पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स किस टाइप का वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर है, सिंपल याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स इज क्या होगा एन एक्सियल वेक्टर, और इसको भी क्या बोलते हैं स्यूडो वेक्टर भी बोलते हैं स्यूडो वेक्टर, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्या होगा प्लेन इन विच मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर आर प्लेस्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सिंपल लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी एंड करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है ध्यान देना है। अब जैसे आप देख सकते हो यहां है ना इस केस में हम डिफरेंट आप क्या करेंगे हम केसेस पढ़ेंगे आई मीन टाइप पढ़ेंगे। टाइप वन में मैं मानता हूं कि करंट कैरिंग वायर जो क्या है स्ट्रेट है एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है, तो टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। और जैसे ही मैं आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद आप कोई भी बुक देखो इवन बीएम शर्मा हो कोई भी बुक देखोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इवन देखते भी आंसर बताओगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ेंगे मैग्नेटिक व्हेन क्या होगा यहां मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड स्ट्रेट वायर
placed in uniform magnetic field B. ध्यान देना, जैसे देखो ये क्या है, अब कई केसेस हो सकते हैं, आप देखना ध्यान से यहां क्या है, तो सिंपल इस केस में डिफरेंट डिफरेंट देखो ये क्या है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, है ना, और इसी डायरेक्शन में क्या है यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है कांस्टेंट है, याद रखना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कांस्टेंट, ये क्या होगा फिगर, ये हो गया। दूसरा फिगर आप देखोगे कि देखना यहां क्या है, ये हमने क्या किया, देखो हर टाइम ये नहीं लिखे, यहां क्या है बी का मतलब क्या हुआ कि इनटू द बोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर है, और यहां हमने एक स्ट्रेट वायर रख दिया ए बी, है ना, इसमें करंट क्या है ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ क्या है एल दिया, ठीक है, क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ, ठीक है, ये फिगर क्या हुआ, यहां भी बी क्या है कांस्टेंट है, और फिगर डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां देखो सब केस में आपको देखना है, और बाद में भी पूछा जाए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, तो केस थर्ड में देखोगे आप कि यहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें क्या किया गया है करंट कैरिंग वायर को स्ट्रेट वायर, कैसा है यार स्ट्रेट वायर, ए बी करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ अगेन क्या दिया हुआ है, यहां बी ए, ठीक है, ये फिगर क्या हुआ सी, कोई डाउट नहीं है ना, उसके बाद आप डी केस में देखोगे, देखो ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऐसे रखा हुआ, समझना है आपको, है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें हॉरिजॉन्टली क्या किया गया है एक वायर करंट कैरिंग, ए ए बी अगेन करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें करंट क्या आई फ्लो है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वायर के साथ कितने मैग्नेटिक वायर के साथ कितने एंगल पे है थीटा एंगल पे, तो एक फिगर क्या हो गया फिगर बी हो गया, सभी केस में आपको समझना है। अब यहां आप इस केस में देखोगे, देखो अब सबसे पहले है कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जब क्या करेंगे व्हेन एवर वी प्लेस एनी स्ट्रेट वायर परपेंडिकुलर टू द क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां सबसे पहले इस केस में मैग्नेटिक फोर्स हम लिखेंगे, तो एफ एम जो होगा वो क्या होगा मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आई क्या होगा डी एल, क्रॉस क्या हो जाएगा आई डी एल, क्रॉस क्या हो जाएगा बी। अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है तो यार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड मैंने नहीं लिखा डायरेक्शन, एफ एम इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन देखो आई है ना, आपको ही मालूम है कि यदि हम ये डायरेक्शन चेंज कर दें तो हम क्या यूज करते हैं माइनस साइन यूज करते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो देखो आई इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ डी एल, देखो ऐसे लिख रहा हूं क्रॉस क्या हो जाएगा बी, अभी क्या होगा स्ट्रेट वायर होगा तो हम क्या लिख देंगे सिंपल डी एल, इसको ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा डी एल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा आई एल क्रॉस क्या हो जाएगा बी, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यही क्या हुआ स्ट्रेट वायर पे मैग्नेटिक फोर्स जो हुआ क्या होगा आई एल क्रॉस क्या हुआ बी, सिंपल, जब भी क्या होगा स्ट्रेट वायर होगा उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा एल क्रॉस बी होगा, एल क्या हो जाएगा लेंथ, देखो यहां से एल क्या होगा लेंथ ऑफ द क्या होगा ऑफ द वायर, बी क्या होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक
फील्ड, और आई क्या होगा, करंट इन द वायर, करंट इन द क्या होगा वायर, और एफ एम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आपको जब भी क्या होगा, स्ट्रेट वायर होगा, है ना, तो वहां क्या याद रखना है, एफ एम इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। यहां भी देखोगे कि यहां से क्या देख सकते हो, एल बी किस वही हुआ कि आई आई एल क्रॉस क्या हो जाएगा, बी, आई मीन मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, पैरेलल पर मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा केस। अब यहां से आप देख सकते हो कि फर्स्ट केस में क्या है, L, I mean figure A में क्या है, L और B क्या है, यही क्या है, देखो करंट कैरिंग वायर है, इसका लेंथ क्या है, AB है। तो आप देखोगे फिगर फर्स्ट, देखो ध्यान से मैं मिटा देता हूं, फिगर फर्स्ट में क्या है, अब हम लिखते हैं कि इन फिगर A क्या होगा, L वेक्टर एंड इज पैरेलल टू क्या होगा, B वेक्टर, यही है ना यार, L is parallel to क्या होगा B, I mean theta is equal to क्या हो गया, 0 degree। ठीक है, तो direct हम बोल सकते हैं कि FM, I mean magnetic force is equal to क्या होगा, 0। तो whenever current carrying a straight wire is either parallel to or parallel or anti-parallel to the क्या होगा magnetic field, then net force will be क्या होगा, always क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, समझ में आया ना, कि वेन एवर क्या होगा, वेन एवर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज पैरेलल टू द क्या होगा और एंटी पैरेलल टू द क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर विल बी ऑलवेज क्या होगा, 0। लेकिन टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाद में हम देखेंगे जब टॉर्क पढ़ेंगे, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां आप क्या कर सकते हो, समझ में आया कि जब भी क्या होगा, ये लिख लेना आप कि जब भी क्या होगा, स्ट्रेट वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेट आई मीन मैग्नेटिक फील्ड में रखें, आइदर क्या होगा फील्ड के पैरेलल रखें और एंटी पैरेलल रखें, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरे केस में देखो, केस सेकंड में आप देखोगे तो यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, यही है ना। तो यहां सेकंड केस में आप देख सकते हो कि अब फिगर बी में देखो, फिगर बी कि फिगर बी में क्या है, अगेन मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल क्रॉस क्या हो जाएगा, बी, यही होगा यार, है ना। यहां देखो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा यार, ऊपर लगेगा। यहां ध्यान देना है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ऑलवेज किधर लगेगा, देख रहे हो ना, अप लगेगा। ठीक है, क्या होगा, अप लगेगा मैग्नेटिक। अब ये एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बाद में मैंने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, यदि क्या होगा, क्या होगा, इसके रॉड के सेंटर पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, याद रखना है आपको। तो यहां देखो, अब हम बोल सकते हैं इस केस में बी में क्या है कि एल इज परपेंडिकुलर टू क्या है, बी, आई मीन दैट इज थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, आई क्या होगा, एल। अब यहां इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक, यदि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। तो यहां देखो, यहां लिखेंगे पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इस केस में देखो ध्यान से, यहां क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, किधर, इनटू द बोर्ड, है ना, क्या है, इनटू द बोर्ड है, यही क्या है, करंट कैरिंग वायर है, इधर करंट कैरिंग, इसका यही सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये क्या है, ए, और दिस इज नथिंग बट द, तो ऑलवेज इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, याद रखना है,
कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास, है ना, ये किसका डायरेक्शन हुआ, मैग्नेटिक फोर्स का, आई मीन मिड पॉइंट ऑफ द क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, याद रखना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्या होगा, वायर, आई मीन मिड पॉइंट ऑफ द क्या होगा, वायर, क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर दिया होगा वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यही आपको क्या करना है पढ़ना है, या मास से कोई मतलब नहीं है, तो मिड पॉइंट पे आपको क्या करना है, याद रखना है कि क्या होगा, आई जो होगा ऑलवेज सेंटर ऑफ मास, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ऑलवेज क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द क्या होगा, वायर पे लगेगा, क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द वायर। तो ये तुमको ध्यान से लिख लेना है, क्या लिखना है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्टेट करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट एट द क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, क्योंकि हमने स्ट्रेट कंसीडर कर लिया है, कर्व होगा वहां देखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, तो ऑलवेज क्या होगा, मिडल पॉइंट पे लगेगा। अब आप यदि फिगर सी देखें, फिगर सी में भी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा यार, बता सकते हो, देखो इधर क्या है, अप लग रहा है, लेकिन सी में देखोगे तो किधर लगेगा यार, देखो ध्यान से, डीएल क्रॉस बी, तो ये किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो फिगर सी में क्या होगा, अगेन एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल क्रॉस क्या होगा, बी। जब भी स्ट्रेट वायर हो तो ऑलवेज हम क्या यूज करेंगे, आई एल क्रॉस बी, अगेन क्या लिखेंगे, एफ एम मैग्नीट्यूड आई एल बी, ठीक है। लेकिन इस केस में आप देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, मिड पॉइंट पे ही लगेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, देख सकते हो डायरेक्शन, यहां देखो यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ एक स्ट्रेट वायर रखा गया, करंट कैरिंग वायर ए बी, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा यही क्या हुआ, मिड पॉइंट, ये किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा, मिड पॉइंट पे लगेगा, और वायर पे आपको ही मालूम है कि क्या होगा, परपेंडिकुलर ही लगेगा, ठीक है। तो थर्ड डी केस में आप देखो, तो डी में क्या होगा, अब फिगर डी, कि यहां अगेन एफ एम यदि मैं लिखूं तो एफ एम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आई एल क्रॉस क्या होगा, बी, है ना। अब देखो तो बी का जो डायरेक्शन है वो किधर है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ बी, ये किसका डायरेक्शन है, बी का, और करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन किधर है, आई मीन करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा डिग्री है, यहां लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल बी साइन क्या होगा, थीटा, यही होगा यार, आई एल बी साइन थीटा। अब आप देखोगे तो डीएल क्रॉस बी का जब डायरेक्शन देखोगे तो किधर होगा, देखो डीएल क्रॉस बी किधर होगा, आउट ऑफ द क्या होगा, पेज होगा। तो यहां यदि मैं करंट स्ट्रेट वायर इधर दिखा दूं, ये है ना, ये ए हुआ, दिस इज बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे दिया हुआ, यही है ना यार। तो यहां आप देखोगे यही क्या हुआ, मिड पॉइंट। तो यहां डॉट जो इंडिकेट कर रहा है क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इंडिकेट कर रहा है, कि ये क्या है, दिस इंडिकेट द क्या होगा, एफ एम, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक, आई मीन डॉट का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा क्या होगा, आउट ऑफ द क्या होगा, बोर्ड होगा, लेकिन ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि स्ट्रेट वायर को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, है ना, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, आई एल क्रॉस क्या होगा, बी। आई क्या है, करंट इन द वायर, एल क्या है, लेंथ वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा, बी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और डिफरेंट डिफरेंट केसेज में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड हम आसानी से मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वायर के मिड पॉइंट पे लगता है, और ऑलवेज क्या होता है, वायर के परपेंडिकुलर लगता है। उसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्या है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन
फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा टाइप है वो क्या है, अब सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं यार कि सेकंड टाइप क्या है। सेकंड टाइप जो होगा वो क्या होगा देखेंगे अभी, है ना। तो सेकंड टाइप क्या है, टाइप टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग कर्व वायर, placed in uniform magnetic field, magnetic field। ठीक है, आई मीन यार यदि कर्व वायर होगा तो हम मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नेटिक फोर्स मैं तुमको बता रहा हूँ कि यदि तुम अच्छे से देख रहे हो तो इसमें पेन की भी जरूरत नहीं होती है, तुमको लेंथ कैलकुलेट आना चाहिए। और यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो एक एक स्टेप, दो दो स्टेप में आंसर आते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे हमने क्या किया, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, इन टू द बोर्ड है, और अब हमने क्या किया, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देखोगे तो हम कॉम्प्लिकेट भी चीजों को कर सकते हैं। यदि मैं प्रूफ कर दूं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, इफेक्टिव आई एल, एल इफेक्टिव इनटू क्या होगा, बी होगा, तो वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या है, ध्यान से, अभी ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सेमी सर्कुलर वायर है। अब मैं आपको यही इसका क्या है, सेंटर है, ये रेडियस आर होगा, इसमें करंट क्या है, ऐसे, ठीक है, आई फ्लो। तो जब कर्व वायर होगा तो याद रखना है एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, आई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां भी क्या लिखेंगे, आई डी एल क्रॉस क्या होगा, ठीक है, बी कॉन्स्टेंट लो तो ये कहने क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन लेंथ हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करोगे तो आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सिमेट्री यूज करके मैं आपको प्रूफ करता हूँ, और ये कि इसका इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आई टू आर बी हो जाएगा। ये रेडियस क्या है, आर है, यही क्या है, ए सेंटर ओ है, ए बी कोई वायर है। अब हम क्या कर रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए, देखो ध्यान से, ठीक है, यही ये वाई एक्सिस हुआ और ये मान लो क्या है एक्स एक्सिस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं थोड़ा सा मतलब लेंथी होगा लेकिन आपको समझ में आएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी यहां लिख सकते हैं कि एल इफेक्टिव यूज कर लो। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, देखो यहां से थीटा एंगल पे, देखो ध्यान से थीटा एंगल पे, इधर डी थीटा, इधर भी हमने क्या किया, थीटा एंगल पे, देखो ध्यान से डी थीटा विड्थ का एक बार समझना है तुम, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक, तो हम क्या करें, इस पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दें और इस पे मैग्नेटिक फील्ड लिख करके हम चेक कर लें, तो यहां देखोगे कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर देखोगे तो इधर लग रहा है, यदि आप बाई सिमेट्री देखोगे तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। आई मीन यहां क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो अलवेज क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, ये भी क्या होगा डी एफ इधर होगा, और इधर भी क्या होगा डी एफ इधर होगा, यार डी एफ देखो सिमेट्रिकल, हमने करंट वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल थीटा एंगल, अब बाई सिमेट्री आप देख सकते हो कि यहां यदि देखो इधर क्या होगा, ए डी एफ एक्स
और इधर भी क्या होगा डी एफ एक्स। तो ये क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, आई मीन इधर जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स होगा वो क्या होगा कैंसिल आउट। तो हम बोल सकते हैं बाईसिमेट्री जो फोर्स होगा वो क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा। इज इट ओके, ये आपको समझ में आया बाईसिमेट्री। देखो यहाँ क्या होगा, यदि ए एंगल क्या है थीटा है तो ए एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आई मीन 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी एफ वाई और ये भी क्या हो जाएगा डी एफ वाई। ये बात आपको समझ में आई। तो हम बोल सकते हैं एक तो बोल सकते हैं कि बाईसिमेट्री बाईसिमेट्री मैग्नेटिक फोर्स, ये समझ में आया ना कि हमने क्या किया वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे क्या किया करंट एलिमेंट कंसीडर किया सो दैट मैं सिमेट्री यूज कर सकूं। तो बाई सिमेट्री मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा वायर विल बी क्या होगा विल बी डायरेक्टेड डायरेक्टेड अलोंग क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, कहां डायरेक्टेड होगा वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा देखो, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा टू डी एफ, हम क्या लिख सकते हैं एफ एम, एफ एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं देखो टू डी एफ, यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं टू डी एफ, ये कितना होगा कॉस थीटा होगा क्या, ये साइन थीटा होगा और इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, सही है ना यार। तो यहाँ क्या लिख सकते हो टू डी एफ कॉस थीटा इंटू क्या होगा जे कैप, यही होगा यार। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अब यदि एफ एम देखो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या टू आई है ना, क्या लिख सकते हैं टू आई डी एल क्रॉस क्या हो जाएगा बी। ठीक है, क्या होगा डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी यहां नहीं लिख सकते हैं डी एल बी, ठीक है डी एल बी कॉस थीटा जी। ये आपको समझ में आया क्या, यहां देखोगे तो डी एल विल बी परपेंडिकुलर क्या होगा डी बी, क्यों क्योंकि डीएल जो है क्या है बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और डीएल जो है क्या है इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो ए अब आप डी एल बी डी एल को क्या लिख सकते हो आर डी थीटा लिख सकते हो यार, यहाँ हम लिख सकते हैं एफ एम, अब यहाँ इंटीग्रेट कर दे यार है ना, सॉरी डी एफ यहाँ इंटीग्रेट भी तो कर देंगे यार है ना। अब थीटा को हम क्या यदि टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाई टू, क्या लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाई टू, क्या लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाई टू। एक और रिजल्ट यहाँ आएगा, चलो हम क्यों नहीं ऐसे कंसीडर कर लें, चलो बाद में मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ क्या होगा एक रिजल्ट भी आ जाएगा, तो जीरो टू यहाँ देखो आई मीन मैं लिख देता हूँ जीरो टू पाई बाई टू क्या है, यहाँ मैं जीरो टू अल्फा ले लूँ या जीरो टू अल्फा या चलो बाद में लिख देता हूँ नहीं तो जीरो टू पाई बाई टू। ठीक है जीरो टू पाई बाई टू, अब डी एल इक्वल टू आर डी थीटा लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ एफ एम एफ एम इक्वल टू क्या हो गया टू आई आर बी, ठीक है कितना होगा टू आई आर बी, और यहाँ क्या लिखेंगे जे कैप इंटू इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे जीरो टू पाई कॉस थीटा क्या होगा डी थीटा। यहाँ क्या होगा एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा टू आई आर बी, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा है ना जीरो टू पाई बाई टू जे कैप, और यहाँ लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा आई है ना, देखो ध्यान से टू आर है ना बी जे कैप, टू आर क्या है इफेक्टिव लेंथ जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। आपको मैं यहाँ जनरल रिजल्ट बताना चाहता था, तो ये देखो क्या है वायर किस शेप का है उससे मुझे मतलब नहीं है, क्या है मुझे मतलब नहीं है, क्या है टू आर क्या मिला आर ए बी, तो क्या है आपको क्या करना है कि वेन एवर देयर इज क्या है कर्व वायर देन रिप्लेस द कर्व वायर बाय ए बाय इक्विवेलेंट स्टेट वायर
whose length will be equal to the line joining the both the end of the क्या होगा wire. तो यहाँ क्या करेंगे इसको, यहाँ क्या होगा इसको हम क्या बोलेंगे, this is called effective length. This is क्या होगा current in the क्या होगा in the wire. क्या होगा current in the क्या होगा wire. This is called क्या होगा effective length. Effective length and this is nothing but the क्या होगा magnetic field. अब हमने क्या किया यहां देखो, यदि ये वायर है तो हम कैसे सोचेंगे यार इफेक्टिव लेंथ. मैं यहां जनरल रिजल्ट लिखूंगा अभी बाद में, है ना. तो यहां अपना वायर कैसे था यार, ऐसे यही है स्ट्रेट वायर. ए दिस इज बी और दिस इज द करंट, है ना. यहां मैग्नेटिक फील्ड का हमने डायरेक्शन कैसे कंसीडर किया था, ऐसे यही है ना. ठीक है, ये याद रखना है आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब इसको क्या करेंगे हम, एक इक्विवेलेंट स्ट्रेट वायर से हम क्या करेंगे ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट वायर से. और करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए देखो, इसको हम ए और इसको क्या बोलेंगे बी. और दिस इज नथिंग बट द एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, और सिंपल हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे इसको. तो इक्विवेलेंट क्या हुआ, इक्विवेलेंट स्ट्रेट वायर. ठीक है, आप तो यहां आसानी से बता सकते हो यार कि क्या होगा एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा टू आर आई क्या होगा बी. ठीक है, क्या होगा टू आई आर बी होगा. तो जब भी क्या होगा यहां नोट में लिखना है, और भी एक दो पॉइंट में लिख देता हूं उसके बाद हम आते हैं कि एक जनरल रिजल्ट लिखता हूं, है ना. और देखो सेकंड एग्जांपल देखो इसी में, तो सेकंड एग्जांपल देखोगे जैसे ये देखो यहां क्या है, ऐसे दिया हुआ अगेन देखो यहां भी करंट क्या है, ए ए दिस इज बी दिस इज एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा. अब यहां मैं क्या करूंगा उसके टर्म में लिख दूंगा. ठीक है, डायरेक्ट और आप प्रूफ भी कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट द करंट आई. और यहां मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द क्या है, ठीक है, इनटू द बोर्ड. आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स. तो पहले आप क्या करोगे देखो, ऐसे यहां हम क्या करेंगे जैसे देखो, यही क्या हुआ एल इफेक्टिव हो जाए, यही क्या होगा दिस इज नथिंग बट द एल इफेक्टिव. तो अब हम क्या करेंगे इसको एल इफेक्टिव से क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, तो यही क्या होगा दिस इज एल इफेक्टिव, ए दिस इज बी और दिस इज नथिंग बट द एल इफेक्टिव. ठीक है, यदि इसका रेडियस क्या होगा आर होगा, आर होगा तो क्या हो जाएगा, यही क्या होगा इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ स्ट्रेट वायर, क्या होगा इक्विवेलेंट स्ट्रेट वायर. तो आपको क्या करना है, जब भी क्या होगा कर्व वायर दिया हुआ हो तो इक्विवेलेंट स्ट्रेट लाइन से क्या करना है रिप्लेस कर देना है. अगेन यहां भी मैग्नेटिक फोर्स जब देखोगे तो किधर लगेगा, इसके मिड पॉइंट पे लगेगा स्ट्रेट वायर के, हमेशा याद रखना है. और यहाँ एफ एम कितना होगा आप ये लेंथ बता सकते हो, यदि ये एंगल मालूम है, यदि आप क्या बोलते हैं आपको, यदि क्या है ये लेंथ कितना होगा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो हम यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इस कर्व वायर पे कितना होगा एफ एम इज इक्वल टू कितना होगा टू आई आर बी साइन ऑफ कितना हो जाएगा अल्फा बाई. अब यहां से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको, यदि तो ये क्या हुआ मैग्नेटिक फोर्स होगा और किधर होगा अपवर्ड, किधर होगा अपवर्ड होगा. और कहां लगेगा, यहां आप देखोगे तो किधर लगेगा अपवर्ड. अभी हमने देखा था कि बाई सेमेट्री क्या होगा अपवर्ड लगेगा, देखो डीएल क्रॉस. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां अल्फा का, यदि क्या होगा आप देख सकते हो कि कर्व वायर क्या होगा
सेमी, यदि कंप्लीट सर्कल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, आई मीन सॉरी अल्फा इक्वल टू, हाँ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो बाद में हम देखेंगे कि व्हेन एवर क्या होगा, क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन एनी शेप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, बाद में हम आएंगे उस पर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अल्फा इक्वल टू हम यदि क्या रखें, पाई रखें, यदि लूप क्या हो, सेमी सर्कल हो, कंप्लीट सर्कल हो, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ये यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ कि इफ देयर क्या होगा, अब मैं जनरल रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ नोट में पहले कैलकुलेट कर ले, जैसे देखो क्या होगा, अब यदि क्या होगा, कंप्लीट सर्कल होगा, क्या होगा, कंप्लीट सर्कल, आई मीन एग्जांपल देख लो, और कि ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, हम थोड़ा सा इसको क्वार्टर सर्कल में कन्वर्ट, ये इस टाइप का है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किधर, देखो ध्यान से, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की है अंदर, या चलो हम बाहर कर लेते हैं, आउट ऑफ द बोर्ड, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, यही क्या है। अब हमको क्या करना है कि इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट एल इफेक्टिव क्या होगा, यही होगा ना यार, एल इफेक्टिव, देखो तो हम क्या करेंगे, एल इफेक्टिव, यही क्या होगा, ए बी, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, एल इफेक्टिव, इफेक्टिव वेक्टर लिख सकते हो, एल इफेक्टिव, ठीक है, इसका डायरेक्शन। अब हम कुछ नहीं करना है, एक सिंपल हमने क्या किया, इधर एक बार जिसका लेंथ क्या होगा, एल इफेक्टिव, आपको ही मालूम है, यदि ये आर है, ये भी आर है, तो ये कितना होगा, इसमें वैल्यू आप रख सकते हो यार, है ना। अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऑलवेज एल, एल इसका लेंथ क्या होगा, एल इफेक्टिव, और ये कितना होगा, रूट टू इंटू क्या हो जाएगा, तो एक कर्व वायर से हम क्या करेंगे, स्टेट वायर में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, आप देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अलवेज इस इफेक्टिव लेंथ के क्या होगा, मिड पॉइंट पे लाई करेगा, और किधर लाई करेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, इधर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट टू, देखो यहाँ क्या रखो, थ्री पाई बाई क्या रखो, फोर रखो, कितना रखोगे, अल्फा, आई मीन सॉरी थ्री पाई बाई क्या रखोगे, थ्री पाई बाई, या अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या यहाँ भी देख सकते हो, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रूट टू आर आई भी क्या क्या होगा, बी होगा। सेकेंड मेथड क्या है, इसमें आप वैल्यू रख दो, तो इसमें यहाँ देखोगे अल्फा इक्वल टू क्या होगा, यदि सेकेंड तरह से सोचो तो कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखो तो यही आएगा। उसी तरह क्या होगा, यदि कंप्लीट सर्कल होगा तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा यार, जीरो हो जाएगा, बाद में हम देखेंगे, तो एक फिगर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो यहाँ कि कंप्लीट सर्कल होगा, है ना, यहाँ करंट ऐसे, ठीक है, आई फ्लो हो रहा है, और मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द बोर्ड है, इसका रेडियस क्या है, आर है, तो यहाँ एफ एम इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा, जीरो, क्यों, क्योंकि अल्फा इक्वल टू क्या होगा, टू पाई हो गया, और यदि मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या होगा, वेन एवर क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन द क्या होगा, वेन एवर क्लोज लूप, या वेन एवर सर्कुलर क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। बाद में इसमें टेंशन क्या होता है हम कैलकुलेट करेंगे, जो पूछा गया है। तो ये आपको समझ में आया क्या, कि आपको क्या करना है, जब भी कर्व वायर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उसको इफेक्टिव लेंथ से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, और फिर उस पर क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, उस कर्व वायर पे क्या होगा, मैग्नेट, जो कि मैंने प्रूफ भी किया कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नोट में आपको लिखना है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स, आई मीन नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा, क्लोज करंट, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, लूप, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्लोज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक
प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी, क्या होगा, मस्ट बी ऑलवेज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब यहाँ सेकंड देखो ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं जनरल रिजल्ट बताता हूँ कि इस टाइप का क्या है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, सॉरी वायर है, करंट कैरिंग वायर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो आपको क्या करना है, एल इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, यही क्या है, ई बी इज इक्वल टू, देखो यहां से हम क्या करेंगे, जिस तरह करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन होगा, तो यहां लिख देंगे क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज नथिंग बट द एल इफेक्टिव, तो यहां क्या लिख सकते हैं, सिंपल क्या लिख सकते हैं, एफ एम, एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल ए बी या एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ आई थिंक आपको समझ में आया कि दोनों वायर के एंड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला जो लेंथ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे, तो दिस इज क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ, लेंथ वेक्टर। ठीक है, और तो आपको मालूम ही है, तो ये किसके लिए है, कोई भी कर्व वायर होगा तो उसके लिए, उसको यूज करके हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे और एग्जांपल देखेंगे यार, ऐसे नहीं है, फिर हम सर्कुलर लूप पे आएंगे, इसमें टेंशन कितना होता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, तो अब देखो अगला एग्जांपल देखो, देखते जाना है तुमको, है ना, अब आपसे पूछा गया है कि एल शेप का कोई वायर है, देखो एल शेप, यहां करंट क्या है, ऐसे ये मान लो L और इसका लेंथ ई बी एल है, ए बी सी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड B है जो डायरेक्टेड इनटू द बोर्ड है, तो आपको क्या पूछा गया, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर एज शोन इन द फिगर, क्या है एग्जांपल देख लो, ये फिगर क्या हुआ, वन हो गया, है ना, दूसरा ध्यान देखो, ये स्क्वायर लूप है, अब यहाँ से हम जनरल रिजल्ट लिखेंगे, ए बी सी डी, ए आई आई आई, इसका साइड लेंथ क्या है, फिगर बी, ठीक है, तीसरा एग्जांपल, फिर हम बाई वन बाई वन, अब याद रखना है कि जब भी कर्व वायर होगा तो हम क्या करेंगे, आई एल, एल इफेक्टिव यूज करेंगे, एल के जगह क्या लिखेंगे, एल इफेक्टिव, फिगर सी देख लो, फिगर सी में क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्या है, लूप, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहां इनटू द बोर्ड है, देखो, और सब में क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इवन मैं मेंशन मैं नहीं भी बोलूं तो आप समझना कि हमने कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म, क्योंकि अभी हम वही पढ़ रहे हैं, यहां भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, एक फिगर क्या हुआ, सी हो गया, उसके बाद ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, इन सभी में देखोगे तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं तो आप क्या करो, अलग अलग फोर्स निकालो, मैं उस दूसरे मेथड से ही बताता हूं, तो देखो यहां भी क्या होगा, आई आई आई, ए ए, दिस इज बी, दिस इज सी, यहां भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड किधर मान लिया, अंदर, अब आपको क्या करना है, फिगर डी, तो यहां आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, ऑन द क्या होगा, वायर एज शोन इन द फिगर्स, एज
shown in the क्या होगा above figures. ठीक है, वन बाई वन हम देखेंगे. आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? इसमें 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 डायरेक्ट हम आंख बंद करके अंधे की तरह हम बोल सकते हैं कि I mean अंधे होगा, अंधा होगा तो देखो कैसे, लेकिन ऐसे हम गेस कर सकते हैं. इस केस में और इस केस में, I mean फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी में एल इफेक्टिव का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो होगा. क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो होगा. तो हम यहां बोल सकते हैं कि वेन एवर एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप विल बी क्या होगा? ऑलवेज जीरो. क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा. ये ध्यान देना है. तो पहले फिगर में देखो, पहले फिगर में क्या होगा? ऐसे भी तुम दो तरह से सोच सकते हो. एक तो मेथड ये है, देखो एक तो क्या होगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो ये किधर लाएगा? इधर है ना, इसको हम लिख देते हैं एफ ए बी. ऐसे भी इस पे देखोगे तो किधर लाएगा? इधर लाएगा एफ बी सी. और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा. तो यदि मैं फिगर, ठीक है, अब सॉल्यूशन हम वन बाई वन लिखेंगे. तो एक मेथड क्या है, फर्स्ट है कि M1 देखोगे तो क्या होगा कि सिंपल हम क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इसका. तो हम लिख सकते हैं एक फोर्स किधर लग रहा है, F ए बी इधर लग रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ILB है. एक फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है एफ बी सी, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ILB. इस वायर पे स्टेट वायर पे फोर्स इधर, और इस वायर पे किधर लग रहा है, इधर लग रहा है. तो नेट फोर्स जो होगा अफकोर्स इधर क्या होगा, 45 डिग्री पे लगेगा. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, रूट टू टाइम्स आई एल बी. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, हम क्या कर सकते हैं कि इसका इफेक्टिव लेंथ जो होगा क्या होगा, यही होगा यार, यही क्या होगा, एल इफेक्टिव होगा. दिस इज एल इफेक्टिव, यही क्या हुआ, करंट आई. तो हम बोल सकते हैं कि M2 में हम क्या कर सकते हैं कि इसको इफेक्टिव लेंथ से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. ये कितना होगा, 45 डिग्री. ये क्या हुआ तुम्हारा A एंड दिस इज C, यही करंट आई जा रहा है, इसका लेंथ क्या हुआ, रूट टू एल हो जाएगा. तो यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो क्या होगा, इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यही मिड पॉइंट होगा और परपेंडिकुलर. ठीक है, यही क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक फोर्स जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ एम का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, रूट टू आई एल बी. ठीक है, तो फर्स्ट दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं. अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट पे देखोगे कि देखो इस पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, मेथड फर्स्ट में क्या लिखोगे, मेथड फर्स्ट आई मीन फिगर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बी, तो एम वन लिख रहे हैं. अब देखो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा स्टेट वायर पे, इस पे लगेगा वो मिड पॉइंट पे लगेगा, और ये किधर लगेगा, इधर. तो इसको हमने लिखा है एफ ऑन बी सी. ठीक है, इस पे देखोगे तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है एफ ऑन क्या होगा, सी डी. इधर देखोगे तो अगेन मैग्नेटिक, ये समझ में आ रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स डी एल क्रॉस बी अप लगेगा. तो इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, ये क्या हो रहा है, एफ ए बी. इधर देखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ मिड पॉइंट पे, तो ये किधर लग रहा है, एफ डी ए. और बाई सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि जितना, क्योंकि लेंथ सब वायर का क्या है, सेम है, करंट भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री, क्या बोल सकते हैं, बाई सिमेट्री. तो नेट मैग्नेटिक फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ एम इक्वल टू क्या लिखोगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. तो हम क्या लिखेंगे, एफ ए बी प्लस क्या लिखेंगे, एफ बी सी प्लस क्या लिखेंगे, एफ सी डी प्लस लिखेंगे प्लस एफ डी. और देखो इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या होगा, जितना, तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री, क्या लिख सकते हैं, बाई सिमेट्री क्या होगा, एफ ए बी
का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एफ बी सी का मैग्नीट्यूड, एफ सी डी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा एफ डी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एफ मान लें, और इधर हम एक्स एक्सिस मान लें और इधर क्या होगा वाई एक्सिस। देखो ए और ए कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा एफ एम जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या है कि सिंपल मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है सिंपल मेथड टू जो हम यूज करेंगे, मेथड टू जब लिखोगे तो क्या लिखोगे एम टू एफ एम ऑन द क्या होगा इस करंट कैरिंग लूप स्क्वायर लूप पे क्या हो जाएगा आई इंटू क्या होगा एल इफेक्टिव क्रॉस क्या हो जाएगा बी। अब इस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जीरो हो गया है, एल इफेक्टिव जीरो हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हम किसके लिए लिख सकते हैं, देखो इधर फिगर सी में हम आते हैं, तो फिगर सी के लिए जब लिखोगे तो क्या लिखोगे फ्रॉम फिगर, यहां देखो मेथड फर्स्ट में देखो अगेन ध्यान से देखना कि एफ एम जब हम लिखेंगे तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, ऑलवेज मैग्नेटिक फोर्स कहाँ दिखाना है मिड पॉइंट पे ए बी सी और क्या है डी, तो इधर एफ सी डी, इधर क्या लग रहा है एफ डी ए, इधर क्या लग रहा है एफ ए बी, और इधर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है एफ बी सी लग रहा है ना यार। यहां भी आप देखोगे तो बाईसिमेट्री देखो, जितना ए फोर्स होगा उतना ही ए, और जितना ए और जितना ए ऊपर लगेगा उतना ही क्या होगा ये नीचे लगेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बाईसिमेट्री अगेन बाईसिमेट्री क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए, एंड क्या होगा एफ सी डी इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी। हैंस बोल सकते हैं कि नेट फोर्स एफ एम विल बी क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह सिमिलरली आप इसके बाद वाला दूसरा जो मेथड क्या है एल इफेक्टिव, तो बाई यूजिंग क्या हो जाएगा एल इफेक्टिव, यहां भी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा जब भी क्लोज लूप होगा तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा ऑलवेज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो याद रखना है यहां कि नोट में क्या लिखना है कि नोट में कि किसी भी शेप का क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स सॉरी करंट कैरिंग लूप होगा किसी भी शेप का, यहां हमने क्या किया है मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्या है बी, तो इस पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स क्या लिख सकते हो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो लिखेंगे यहां से कि इफ करंट कैरिंग क्लोज लूप ऑफ एनी शेप, क्या लिखेंगे कि इफ क्या लिखेंगे इफ करंट कैरिंग क्लोज लूप ऑफ क्या होगा ऑफ एनी शेप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एनी शेप किसी भी शेप का हो क्या होगा प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट फोर्स द नेट मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप विल बी क्या होगा विल बी ऑलवेज ऑलवेज जीरो, है ना। नेट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा। देखो ये करंट कैरिंग कोई लूप है किसी भी शेप का, बाद में हम पढ़ेंगे कि ऐसे नहीं रहेगा, है ना। अभी थोड़े टाइम में हम देखेंगे कि ये वाला जो लूप होगा इस शेप का नहीं रहेगा, ये आइदर क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होकर के एक पॉइंट बन सकता है और एक क्या होगा
सर्कुलर लूप बन सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें ये भी पूछा गया है, जेई में पूछा गया है कि इसमें टेंशन क्या होगा, उसको अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जब भी क्या होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेप एंड साइज, किसी भी शेप एंड साइज का यदि करंट कैरिंग क्या होगा, लूप रखा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर नेट फोर्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसका शेप क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। क्यों कोई पूछे तो क्यों, एक तो मैंने जनरल मेथड बताया था, उससे भी आप प्रूव कर सकते हो। उसके बाद आप इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हो कि इस केस में एल इफेक्टिव ऑलवेज क्या हो जाता है, किसी भी एंड के दो पॉइंट कंसीडर करोगे तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखो कि तो इस पे अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जो जेई में आया हुआ है ना। अब देखो एक एग्जांपल यहां है ना, कोई करंट कैरिंग ए डिफरेंशियल लेंथ डीएल इज रिमूव्ड फ्रॉम ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर Then find magnetic force on the then find क्या है differential length dl is removed from a current carrying circular loop of radius r as shown in the figure then find the magnetic force on remaining current carrying wire है ना। अब देखो इसको पहले वाला ही कॉन्सेप्ट देखो, इस क्वेश्चन समझ में, देखो ये दिया हुआ है, यही क्या है करंट कैरिंग। मान लो कि इधर करंट फ्लो हो रहा है, डिफरेंशियल लेंथ डीएल फ्रॉम ए करंट कैरिंग वायर शोन इन द फिगर देन फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखा है या नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिख लेना कि ऑफ कोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द क्या है, बोर्ड है, या यहाँ अंदर लिख लो। ये दिया हुआ है कि इसमें हमने क्या किया, डीएल पार्ट, यही क्या है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि डीएल पार्ट जो है हमने क्या किया है, रिमूव कर दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि इस रिमेनिंग पार्ट पे, इस रिमेनिंग पार्ट ऐसे लिख देता हूं ए, इधर बी और इधर सी, देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा, ए बी सी पे कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है कि ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसमें से डीएल पार्ट क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और रिमेनिंग पार्ट को कहाँ रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एज शोन इन द फिगर। तो आपको क्या करना है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है कि कितना होगा करंट। अब आप सोचो कि हम बोल सकते हैं, अब इसको यदि हम ज्वाइंट कर दें
तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, हम लिख सकते हैं कि यहाँ एफ नेट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी सी करंट कैरिंग वायर प्लस क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन रिमूवल लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन डी एल लिख देता हूँ डिफरेंशियल। अब जब ये दोनों को आप कंबाइन करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अरे जब इसको ज्वाइंट कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या हो जाएगा एफ, ठीक है क्या होगा एफ डी एल हो जाएगा, निगेटिव ऑफ द क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स। और आप यहां से यदि मैग्नीट्यूड आई मीन इसका मतलब क्या होगा कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा हम ऐसे सोच सकते हैं कि या तो इधर से हम क्या करें यहां ऐसे करंट कंसीडर करें, तो यहां देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है ऐसे, ऐसे ही लग रहा है ना, और यहां मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा ऐसे। अब ज्वाइंट कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा एक कंप्लीट लूप बन जाएगा है ना। यहां मैग्नेटिक फोर्स जो होगा अब इस डीएल आई मीन ऐसे दिखा देता हूं मैं, यही क्या है सी और ए, इस पे जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा उसी का मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर क्या क्या होगा इस पे फोर्स होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एफ ए बी सी मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया कितना होगा आई डी एल इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है आई डी एल इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई डी एल इंटू बी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं आप लोग इसको ट्राई करना है ना, देखो ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है ना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें एक पार्ट आया है एक पार्ट मैं अपने से बता रहा हूँ है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, एक करंट कैरिंग, ये करंट करंट कैरिंग कैरिंग सर्कुलर करंट कैरिंग लूप करंट कैरिंग लूप या इरेगुलर लूप लिख देते हैं, ई रेगुलर लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन द फिगर ए एंड फिगर बी, ठीक है दो फिगर दिया हुआ है। इफ लेंथ ऑफ द क्या है इफ लेंथ ऑफ द लूप इज क्या होगा एल, देन फाइंड ए में क्या है टेंशन इन द वायर, टेंशन इन द क्या होगा वायर इन बोथ द केसेस, बी में क्या है कि चेंज इन लेंथ, इफ लिख देता हूं ई चेंज इन लेंथ इन बोथ केस, चेंज इन लेंथ ऑफ द क्या होगा वायर इन बोथ केस, बोथ केसेस ए एंड एंड बी इफ, देखो ये क्वेश्चन नहीं आया, फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन ये सेकंड नहीं आया, लेकिन सेकंड भी हो सकता है ऐसे पूछा जा सकता है। इफ यंग मॉडुलस ऑफ क्या होगा वायर
एज क्या होगा वाई एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एज क्या होगा ए, क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो ना तुम लोग, ए वाला है, ए वाला है। यदि ए वायर है तो ए वाला क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। ये दो केसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पार्ट आया हुआ है जेई में, सेकंड पार्ट नहीं आया है लेकिन आ सकता है, तो हम देखेंगे। देखो ध्यान से, दोनों केस में हमने क्या किया, यहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया, अब इस जो वायर है उसका शेप आपने मान लिया, देखो ऐसे, और इसमें करंट जो है कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, ये फिगर ए हुआ। फिगर बी में क्या है, फिगर बी देख लो, ठीक है, फिगर बी में आप देखोगे तो कुछ शेप ऐसे होगा, लेंथ शेप दोनों का सेम है, आप लेंथ दोनों केस में सेम कंसीडर कर लेना। इधर अब एक में इसमें टेंशन होगा, और टेंशन का नेचर भी पूछा जा सकता है, कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल, कई क्वेश्चन हो सकते हैं। ये दूसरा जो डायग्राम दिया है, हर केस में मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या माना, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, और फिर यदि नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, इरेगुलर शेप का है, कोई लूप है जिसको हमने क्या किया यूनिफॉर्म, देखो यहाँ देखोगे आप ध्यान से, डीएल क्रॉस बी, तो हर जगह फोर्स क्या होगा रेडियली आउटवर्ड रहेगा, तो क्या होगा सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखोगे तो इसमें क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, है ना, ये भी पूछा गया है, टेंसाइल नॉट कंप्रेसिव। यहाँ आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो ये जो होगा बी केस में क्या होगा, जो सर्कुलर लूप है आई मीन करंट कैरिंग लूप है, वो क्या होगा पॉइंट के रूप में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेंशन कैसे निकालेंगे, और टेंशन जैसे ही मालूम चल जाएगा तो उसके बाद तो आप ये बी पार्ट अपने से ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना, चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर इन फिगर, यहाँ फिगर लिख लेना है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और केसेस देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, थैंक यू, बाय।